श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आपको एक्सीडेंट वगैरह से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए। लोगों की गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, बाइक के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो अपनी तरफ से हमें एक वो होना चाहिए कि ठीक है बॉस, हमारा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हम अपनी तरफ से प्रयत्न करते हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। तो दुर्घटना से रक्षा के लिए जो सरल टोटके हम आपको बता देते हैं, घर से निकलते समय आप बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आधा तो पैसे सेफ हो गए, बाकी आप गाड़ी भी ठीक से चलो। ऐसा नहीं कि आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लिया और फुल स्पीड में 180 की स्पीड में जा रहे हैं, तो फिर तो आपकी भगवान भी गारंटी नहीं ले सकते। दूसरा है, अपनी और अपने वाहन की सुरक्षा के लिए 8 चुहाड़े, चुहाड़ा समझते हैं, 8 चुहाड़ा लाल कपड़े में बांधकर अपनी गाड़ी या जेब में रख लीजिए। तीसरा उपाय, वाहन दुर्घटना के लिए एक सरलतम उपाय यह है कि घर से बाहर जाते समय श्रद्धा पूर्वक बोलें, बजरंगा ले जाएगा ते बजरंगा ले आएगा। ये पंजाब में बड़ा चलता है, बजरंगा ले जाएगा ते बजरंगा ले आएगा, मतलब बजरंगबली लेके जाएंगे और बजरंगबली लेके आएंगे। बड़ा सिंपल सा मतलब है। बजरंगबली आज के डेट में, हनुमान जी आज के डेट में जीते जागते भगवान हैं, जो कि जिन्हें जो जो अष्ट चिरंजीवी में एक हैं। तो आज भी आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपकी आज भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सबसे सीधे साधे भोले वाले हैं, क्योंकि भगवान शिव के अवतार हैं, तो आप बोल सकते हैं। चौथा उपाय है, वाहन पर बैठते समय 7 बार इष्ट देव का स्मरण करते हुए स्टेरिंग को स्पर्श करें और स्पर्श हाथ माथे से लगाइए, छुआ यू किया और चल दीजिए। आप इष्ट देव जो भी आपको हो सकता है, आपके इष्ट देव साई बाबा हो तो ओम श्री साई नाथ है नमः, अगर आप शिव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय, अगर भगवान विष्णु को मानते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह सकते हैं, आप लक्ष्मी को मानते हैं तो लक्ष्मी जी का नाम लीजिए, हनुमान जी को मानते हैं हनुमान जी का नाम लीजिए, गुरु नानक वाहेगुरु को मानते हैं तो जय वाहेगुरु का नाम ले सकते हैं, अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो आप अल्लाह का नाम लीजिए। तो ये आप पे डिपेंड है। अभी जिस नासिका से स्वच्छ चल रहा हो, नासिका मतलब नाक, अभी देखिए जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हमेशा एक नाक से सांस लेते हैं, हमारी दोनों सांसें नहीं चलती है। तो जिस नासिका का स्वर चल रहा हो, थोड़ा सा श्वास ऊपर खींचकर वहीं पांव सर्वप्रथम वाहन पर रखें। जैसे आप देखेंगे तो आपका एक ही नाक चलता रहेगा जो फ्रीक्वेंटली चलता है। तो जैसे मेरा राइट चल रहा है तो इससे हम ऊपर खींचेंगे और वहीं पांव सर्वप्रथम वाहन पर रखना है। उसके बाद वाहन में विधिवत प्राण प्रतिष्ठित वाहन दुर्घटना नाशक मारुति यंत्र स्थापित करना है। आप जब गाड़ी लेते हैं पूजा पाठ कराइए, आप पंडित को जब बोलेंगे कि वाहन दुर्घटना नाशक मारुति यंत्र स्थापित करना है तो विधिवत पूरा पूजा पाठ करेगा और वहां पे स्थापित करेगा गाड़ी के ऊपर। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।